हमारा आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ सॉन्ग और नशीद दैट हैज स्पेशल मीनिंग फॉर यू. आपने किसी ऐसी नशीद या सॉन्ग के बारे में बताना है दैट हैज स्पेशल मीनिंग फॉर यू. और इस टॉपिक के बारे में लिखते हुए किन पॉइंट्स पे आपने बात करनी है, व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट, यानी वो जो सॉन्ग आपको पसंद है इट्स अबाउट व्हाट एंड व्हेन एंड वेयर यू फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग. फर्स्ट टाइम उसको कहाँ सुना, हाउ ऑफन यू लिसन टू दिस सॉन्ग, आप इसे कब कब सुना करते हैं एंड एक्सप्लेन व्हाई इट हैज स्पेशल मीनिंग फॉर यू, और क्यों वो स्पेशल है आपके लिए, उसके लिरिक्स, उसके मीनिंग, उसकी जो मेलोडी है उसके बारे में आपने डिटेल से बात करनी है, और उसके लिए किन फ्रेजेस की, किस वोकैबुलरी की आपको जरूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक सो आई लाइक मैनी सॉन्ग्स. मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, आई लाइक मैनी सॉन्ग्स. हाउएवर वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग्स में से एक जो मेरा फेवरेट है दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे, जिसके बारे में आज बात करना चाहूंगी, वो है एबीसी सॉन्ग, एबीसी नशीद बाय एक्सवाईजी. यहाँ आपने उसका नाम लिखना है कौन सा है और उसको राइट किसने किया है या सिंगर कौन है उसका नाम लिखेंगे. दिस सॉन्ग वॉज रिटन फॉर द सोल्जर्स ऑफ माई कंट्री, ऑफ आवर कंट्री. ये सॉन्ग जो है यानी स्पेशली सोल्जर्स के लिए जो है, उनके लिए जो है वो बनाया गया था. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना. जब हम किसी चीज को गौर से सुनते हैं अपनी मर्जी से ध्यान लगा के, तो हम कहते हैं लिसन टू और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, लिसनिंग टू द लेक्चर, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू द टीचर. यानी जब आप किसी को सुनेंगे तो आप लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू यूज की जाएगी. लेकिन आप जस्ट अगर बात करें ना कि बात सुनो, तो आप कहेंगे लिसन, लिसन या लिसन अप भी हम यूज कर सकते हैं. लिसन के साथ टू तब आएगा जब आप आगे मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, किसको सुनना है. और इसके बाद देखिएगा हाउएवर. हमने ये सीखा था कि जब ये वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, हाउएवर, व्हेनेवर, देयरफॉर, सो हम इनके बाद कॉमा जरूर लगाते हैं. और उसके बाद वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, यानी मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक ये वाला सॉन्ग है. तो जब आपके पास एक चीज का कलेक्शन होता है और आप उसमें से किसी एक चीज को मेंशन करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं वन ऑफ माई ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज, यानी मेरी फेवरेट रेसिपीज के कलेक्शन में से एक ये है. लेकिन जब आप किसी सिंगल चीज की बात करना चाहते हैं, यानी आपके पास कलेक्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो आप द आर्टिकल यूज करते हैं, द बेस्ट सॉन्ग, द बेस्ट ड्रेस. फेवरेट में यू भी आता है? फेवरेट में यू भी आता है, यस. एक ब्रिटिश स्पेलिंग है ना, एक अमेरिकन स्पेलिंग है, जैसे कलर, सी ओ एल ओ यू आर और सी ओ एल ओ आर. जी ओके. जी सेकेंड पैराग्राफ है, इसको देखिए. When it came out, it quickly became a hit on every single music chart throughout the world. Came out, became a hit. Came out means appearing to the public, यानी आवाम के सामने आना. ठीक है, आवाम के सामने आना, किसी सॉन्ग का जो है वो रिलीज होना, releasing to the public, to the people. So, हम उसके लिए यूज करेंगे when this song came out, जब ये सॉन्ग जो है रिलीज हुआ, यानी ये सामने आया, it quickly became a hit, became a hit. किसी सॉन्ग के लिए, किसी नशीद के लिए हम became a hit तब यूज करते हैं when it becomes popular among the people, यानी वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि people listen to it everywhere, लोग उसको हर जगह सुनते हैं, घरों में, ऑफिसेस में, यानी इवन ऑन द व्हीकल्स, ऑन द रिक्शास, एवरीवेयर दे यूज टू लिसन इट. ओके, तो हम उसको कहेंगे इट बिकेम अ हिट थ्रू आउट द वर्ल्ड. थ्रू आउट का मतलब होता है कोने कोने में, हर जगह, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, और उसके बाद है कैची मेलोडी, यानी ये सॉन्ग जो है कैची मेलोडी, मेलोडी कहते हैं ट्यून को, उसके रिदम को, म्यूजिक को. और कैची हम कहते हैं जो बहुत ही इजी हो, मेमोरेबल हो, जिसको एक ही दफा सुने और वो आपको याद हो जाए, आपके माइंड में बैठ जाए, आपकी जुबान पर आ जाए.
आप उस मेलोडी को, उस सॉन्ग को कहेंगे कैची कैची मेलोडी। यानी ना सिर्फ इसकी ये कैची मेलोडी की वजह से फेमस है, बट ऑल्सो फॉर इट्स मीनिंगफुल लिरिक्स, अपने मीनिंगफुल लिरिक्स की वजह से भी। लिरिक्स मीन्स लाइन्स, राइट? उसकी जो वर्ड्स हैं उनको लिरिक्स कहेंगे जी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कैची मेलोडी यानी कि जो, और उसके आगे जो मैंने को ले रही है यानी कि अपनी तरफ तवज्जो खींचने वाली चीज। बिल्कुल सही। कुछ सॉन्ग्स होते हैं आप उनको, यानी उसकी मेलोडी सुनते ही आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, वो सुनने के बाद आपको उसकी मेलोडी, उसकी ट्यून इतनी अच्छी लगती है कि आप उसको गुनगुनाने लगते हैं। सो आप उसके लिए कहेंगे इट हैज कैची मेलोडी, यानी इसने मुझे अपनी तरफ कैच कर लिया, राइट? अच्छा, ये सॉन्ग जो गाता है वो तो सिंगर होता है, और जो नशीद पढ़ता है वो उनको क्या कहते हैं? नो, आप उसको सिंगर कह सकते हैं, ठीक है? सिंग का मतलब होता है नशीद गुनगुनाना। नाथ के लिए होता है ना? यस, अभी समझ लें इस्लामिक सॉन्ग्स, राइट? सॉन्ग का मतलब नेगेटिव नहीं है, सॉन्ग का मतलब यानी गुनगुनाना, कुछ भी गुनगुनाया जा सकता है, ठीक है। राइट? ओके।